ईंट जैसा पत्थर लगा दिया है ना, देखने में अच्छा लग रहा है और जगह हो गई है। इन्होंने ही मेरे घर का जो सेफ्टी डोर है वो बनाया है, और जो वार्डरोब है वो इनसे ही मैंने बनवाया था ऑर्डर देके। तो बस कुछ मुझे सेफ्टी डोर में हल्का सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा था, यानी कि थोड़ी फांक जो हो जाती है। तो सैगुन का दरवाज़ा है तो इन्होंने बोला कि गर्मी के समय में ऐसा ही होता है, एटलीस्ट 2 साल, बस उसके बाद में थोड़ा सा आप वेट कीजिए एंड रेनी सीज़न जब आएगा तब उस डोर को पूरा सही करके वो लगाएंगे। सो बस इसीलिए मैंने इनको बुलाया था, और गर्मी का भी समय है तो मैंने ठंडाई बनाई इनके लिए और इनको पिलाया। और उस वक्त हम आए थे, मॉल गई थी, मैंने आपको बताया कि अमन ने मुझे पर्स दिलाया, तो ये उसी दिन का शूट था। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, मिल रही हूँ आपसे उसके नेक्स्ट डे। बस ये मैंने मॉर्निंग का कुछ शूट करके उसके बाद भी मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि बच्चे आए हुए हैं और थोड़ा भागा दौड़ी भी लगी हुई है, सामान इधर उधर खरीदना हो रहा है। अब किस लिए हो रहा है वो तो मैं आने वाले व्लॉग्स में आपको बताऊंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरप्राइज़ है, तो कभी कभी सरप्राइज़ अच्छे लगते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज़ रचना। आई अपलोड हेयर एवरी डे अबाउट होम मेकिंग एंड माई लाइफ स्टाइल टू। इफ़ यू लाइक सच कंटेंट देन डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़। और आज दिन है संडे, एंड ये व्लॉग 2 दिन पहले का है जब मैंने आपसे बड़ा बाजार हॉल शेयर किया था। सो 2 दिन पहले से मैंने थोड़ी बहुत जो भी मैंने शूटिंग की थी तो उसको मैंने इस व्लॉग में ऐड किया है, कुछ क्लिप्स मैंने ऐड किए हैं। और बस यहाँ तक मैंने थोड़ा शूट किया था और उसके बाद मैंने उस दिन कुछ भी शूट नहीं किया है। अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट जहाँ से मैंने प्रीवियस व्लॉग को एंड किया था, यानी कि सैटरडे मॉर्निंग से। तो हम सभी का ब्रेकफास्ट हो चुका था और बस उसके बाद डायरेक्ट ही मैंने ये मशरूम को मैंने फ्रिज से निकाला है, रखे रखे कम से कम कुछ नहीं तो 1 सप्ताह से ऊपर हो गया था। तो मैंने सोचा कि एक डब्बे में तो 4-5 पीस ही बचे हुए थे और एक डब्बा पूरा फुल था, तो बस इनको मैंने क्लीन किया है 2 बार हल्का सा। जैसे फ़िलहाल अभी तो मैंने इनको नॉर्मल पानी से क्लीन किया है हल्का सा बेकिंग सोडा डाल के, और उसके बाद में आप इसमें थोड़ा सा आटा या फिर थोड़ा सा मैदा डाल के भी आप इसको कर सकते हैं क्लीन। मैंने कई बार शेयर भी किया है। तो बस इसको क्लीन करके मशरूम मटर मसाला बनाया था, तो बिल्कुल डिफरेंट वाला जो मसाला होता है, प्याज है, टमाटर है, तो 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। ये 3 मिर्ची मैंने डाली है, जो कच्ची मिर्ची होती है हरी वाली, उसमें ये 3 मिर्ची पक गई थी, लाल हो गई थी, तो इनको मैंने यूज़ कर लिया है। हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, और ये 2 प्याज के करीब है मीडियम साइज़ की, पतली पतली कटी हुई है। और 1 स्टिक यानी कि सिनेमन का, दालचीनी का मैंने यहाँ पर डाला है टुकड़ा करके, और थोड़े से काजू डाले हैं। और इस टाइम पे अगर आपको काजू को स्किप करना है तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं, तो फिर आप मगज के दाने डाल सकते हैं, यानी कि जो खरबूजे के बीज होते हैं। इनसे क्या है, ये सब चीज़ें डालने से ग्रेवी का जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। सो यहाँ ये चटनी तो मैंने पुदीने और धनिए वाली बना के रखी ही थी, और सैटरडे का दिन था तो आलू और मटर डाल के ये खिचड़ी बन गई थी। गोभी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, नहीं तो गोभी ज़रूर से डालते हैं, स्पेशली आंचल को खिचड़ी में गोभी बहुत पसंद है। वैसे तो उसको खिचड़ी पसंद नहीं है, लेकिन अगर गोभी डाल दो तो वो भी खा लेती है, और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है गोभी डाल के, मगर हमारे पास थी नहीं। तो ये तो हमारा लंच था, और ये मैंने शाम के लिए मशरूम बनाया था। तो थोड़ा सा ही मैंने सरसों का तेल डाला है, पूरे कढ़ाई में मैं स्प्रेड कर रही हूँ। सो एक सब्जी ये वाली तो हो ही गई थी शाम के लिए, और फिर शाम को सोयाबीन का स्टू भी बनाया था।
और तेल गरम होने के बाद में मैंने 2 तेज़पत्ता डाला है और जो मसाला पीसा था बस वो डाल दिया है। और साथ में ही मैं डाल रही हूँ फ्रोज़न मटर है, तो ये रेडी टू यूज़ होता है, ज़रा से ही जैसे पक जाएं तो खाने लायक हो जाते हैं। तो बस इसको मैंने साथ के साथ ही डाल के और गैस को बिल्कुल स्लो रखा है क्योंकि ऑयल इसमें कम है। सब्जी या दाल जो भी आप बनाएं, अगर आपने ऑयल बहुत ही लिमिटेड डाला है तो फिर उसको आप स्लो गैस पर ही पकाइए ताकि सब्जी का जो टेस्ट है वो एकदम बरकरार रहे और ख़राब ना हो, क्योंकि उसमें ऑयल इतना ज़्यादा होता नहीं है तो वो नीचे लग के बिल्कुल जैसे जल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो यहाँ मसाला अच्छी तरीके से भुन गया था, थोड़ा समय लगा, पेशेंस चाहिए होता है अगर कम ऑयल में खाना बनाना है तो। तो बस मसाला भुनने के बाद में मैंने इसमें मशरूम ऐड कर दिया। अब इस टाइम पे आप इसमें शिमला मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, अच्छी लगती है, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, अदरवाइज़ मैं आंचल की वजह से ज़रूर ऐड करती हूँ उसको, कैप्सिकम बहुत पसंद है। तो बस ज़रा सा मैंने इसको भून के और फिर पानी डाला है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वाली जो ग्रेवी होती है वो नहीं बनानी थी, हल्का सा थिक जैसे टेक्स्चर रहे सब्जी का, बस वही मुझे बनाना था। और फाइनली मैंने इसमें नमक को ऐड किया है और बस बॉयल आने तक इसको मैं ढक रही हूँ। सो ढक्कन लगाने से पहले मैंने नमक को चेक कर लिया था, तो नमक परफेक्ट था, बस ये अच्छी तरीके से बॉयल हो गया है। स्लो गैस पर मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था और मशरूम को भी गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, और मशरूम बहुत ज़्यादा, मतलब जो बोलते हैं ना हाई इन प्रोटीन, मशरूम में बहुत मतलब अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है और अच्छा भी लगता है खाने में। स्पेशली मेरे घर में दोनों ही बच्चों को बहुत पसंद है, चिंकी को और आंचल को सबसे ज़्यादा, तो इस वजह से मैं बनाती भी हूँ। और बस ये बन गया है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला मैंने और हरा धनिया से मैंने उसको गार्निश कर दिया है। तो मशरूम मटर मसाला बनके रेडी है विद डिफरेंट टाइप ऑफ मसाला। सो आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, बहुत ही बेसिक से मसालों से मैंने बनाया है। बस अगर आपको इसमें काजू को स्किप करना है तो आप टोटली इसको स्किप कर सकते हैं, बट मेरे कहने से एक बार आप काजू डाल के देखिएगा और मसाला पीस के इसमें बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ मैंने दूध को गरम करके बॉयल करके यानी कि रख लिया था और ये ल्यूक वॉर्म है, तो मैंने आपको फिंगर डाल के दिखाया है दूध में, बस सह सके इतना गरम होना चाहिए। जैसी दही से आप दही जमाएंगे बस दही बिल्कुल वैसी ही जमेगी, अगर ज़्यादा लिक्विड फॉर्म की दही रहेगी तो आपकी जो दही जमेगी वो भी लिक्विड ही जमेगी। तो ये बिल्कुल गाढ़ी सी दही है, 1.5 चम्मच के करीब मैंने डाली है और ये 1/2 लीटर से ज़रा सा ज़्यादा दूध है, पूरा 1 लीटर नहीं है। अब इसमें ये जो रई चलानी है यानी कि इसको ब्लेंड करना है, मिक्स करना है, बहुत बहुत अच्छी तरीके से करना है। काफ़ी देर तक मैंने रई चलाई है और इसमें बिल्कुल झाग हो जाना चाहिए जैसे कि अभी इसमें हो गया है, तो इससे क्या है दही बहुत अच्छा और गाढ़ा जमता है। तो बहुत ही जैसे भारी तले का कोई बर्तन, मैं तो इसको चकरा से इसको ऊपर रख रही हूँ जिसमें रोटी बेलते हैं, काफ़ी भारी है, ग्रेनाइट का है और ऊपर इसके मैं खल्लड़ रख रही हूँ जिसमें कि अदरक कूटते हैं। बस ये 4 घंटे 4.5 घंटे में जम गई थी और उसके बाद में मैंने इसको उठा के फ्रिज में लगा दिया था। फ़िलहाल तो मैं आपसे दोपहर को ही मिल रही हूँ, खाना वगैरह बन गया है, किसी ने फ़िलहाल अभी नहीं खाया था और मेरा जो फ़ैन है हॉल का वो बहुत आवाज़ कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन को बुला रखा है। सो यहाँ पे फ़ैन भी मेरा बन रहा था और गर्मी का समय है, 2 दिन से यहाँ का फ़ैन भी निकाल रखा था तो बड़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि कोलकाता में इस टाइम पे काफ़ी गर्मी पड़ रही है और पंखा के बिना तो बैठना एकदम मुश्किल है। और कोलकाता में क्या, अभी तो सब जगह ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, एसी ना भी चलाओ तो पंखा के बिना तो आदमी नहीं बैठ सकता है, ऐसी गर्मी तो अभी पड़ रही है। और बस शाम के टाइम मिल रही हूँ, जैसे ही व्लॉग पोस्ट किया मैंने तो वैसे ही सभी लोग बैठे के चलो व्लॉग ही देखते हैं, तो बस व्लॉग देखा है और ये हमारे घर का सबसे अच्छा भद्र लड़का है। और देखिए मेरी बॉन्डिंग, जैसे कि हमारी हाउस हेल्पर हैं संध्या मासी, तो मेरी बॉन्डिंग हमारी हाउस हेल्पर से बहुत अच्छी है, बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह रहती हैं और इनका नेचर बहुत अच्छा है,
एक कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था कि संध्या मासी को हमारी तरफ से एक हग दीजिएगा, तो मैंने उनको ये बात बताई, वो बहुत खुश हो रही थी ये सुन के। तो जिन्होंने भी बोला है उन मतलब आपके कमेंट से संध्या मासी के चेहरे पे बहुत मुस्कान थी, वैसे भी बहुत हंसमुख हैं। तो मेरी बॉन्डिंग इनसे इतनी अच्छी है कि हंसते खेलते हमारा काम हो जाता है, हंसी मजाक हमारे में चलता ही है। और जब तक मैं नहीं बैठती हूँ नाश्ता करने, वो भी नहीं बैठती हैं, मतलब इतना मानती हैं, इतना रिस्पेक्ट देती हैं कि हम दोनों साथ ही बैठ के नाश्ता भी करते हैं, साथ ही बैठ के खाना भी खाते हैं। और आपको पता है साथ ही बैठ के जो सीरियल है ना प्रतिज्ञा, वो भी हम घंटों देखते हैं। तो मेरी बॉन्डिंग हमारी हाउस हेल्पर से बहुत अच्छी है। बस थोड़ी सी अच्छे से बात कर लो, और इंसान को क्या चाहिए, इंसान का जो व्यवहार है वही उसके मरने के बाद में भी मतलब इंसान याद रखता है कि इनकी बातचीत कितनी अच्छी थी और इनका व्यवहार कितना अच्छा था। तो अगर घर परिवार में आपस में बात व्यवहार ही अगर अच्छा होना तो ज़िंदगी बड़े अच्छे से कट जाती है, फिर किसी भी चीज़ की अगर कमी भी रहे तो इतनी नहीं खलती है। तो बात व्यवहार बहुत मैटर करता है। प्लांट चल रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि कितनी अच्छी हवा चल रही है, लेकिन हवा नहीं चल रही है, वही हल्की हल्की ऐसे लग रहा है प्लांट्स को देख के, ठंडक नहीं है हवा में। अब ये इतना अच्छा लग रहा है, ये जो जैसे एक जैसा पत्थर लगा दिया है ना, देखने में अच्छा लग रहा है और जगह हो गई है कि प्लांट्स के अलावा और भी कुछ जैसे सजाने वाला आइटम हो तो वो भी सजा सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी बात व्यवहार की। तो देखिए कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि वो कहावत बहुत बार मेरी कमेंट सेक्शन में भी आती है कि मैडम आप किसी कमेंट का बुरा मत माना कीजिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मैं किसी का इतना बुरा नहीं मानती हूँ, अगर मैं इतना बुरा मानने लग गई तो फिर ब्लॉग पोस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी अलग सोच है, जैसे कि पांचों उंगलियां बराबर तो होती नहीं है, तो बस उसी तरह हर इंसान भी बराबर नहीं होता है और सबकी सोच भी बराबर कभी नहीं हो सकती है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अब जिसकी जैसी सोच है वो उतना ही बोल सकता है, तो क्या ही बुरा मानना है। जब जैसे पता चलेगा कि भाई हमारी गलती है, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो वो चीज़ अलग है। और यहाँ मेरी और संध्या मासी की हंसी नहीं रुक रही थी, क्योंकि कोई भी सामान अगर रखो और संध्या मासी को बोलो कि भाई यहाँ रखा हुआ है, उनको कभी नहीं मिलता है। हमेशा बोलती हैं कि नहीं यहाँ है ही नहीं, एट लास्ट मैं खोज के निकाल के देती हूँ। तो भाई हमारी कॉमेडी तो सुबह से रात तक होती है, मेरी और संध्या मासी की, तो उनसे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और हम सबकी उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। बस एक ही रीजन है, क्या है पता है, उनका नेचर बहुत अच्छा है। और जिस इंसान का नेचर अच्छा होता है वो इंसान भी अपने आप में अच्छा होता है। हर इंसान में एक ना एक खूबी जरूर होती है, कोई इंसान बिल्कुल बेकार नहीं होता है। तो बस इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, और आपकी कोई भी बात किसी को, सामने वाले को बहुत ज़्यादा बुरी लग सकती है, इसलिए हमेशा सबसे सोच समझ के बोलना चाहिए कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ या मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि पर्सनली कोई किसी को नहीं जानता है। और बस जितना जानते हैं उतना ही बोलें, लिमिटेड बोलें, वो ही बहुत ज़्यादा सही है ना। तो चलिए मेरी बात से कौन कौन सहमत है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। सो कमेंट करना बंद मत कीजिएगा। बस यहाँ खाना पीना हो गया था, बट मैं बाकी थी, संध्या मासी बाकी थी, हमने बोला हम बाद में खाएंगे, क्योंकि भूख नहीं लग रही थी, चाय ज़रा देर से पी थी और टेबल बड़ी गंदी सी लग रही थी, इसलिए बढ़िया से स्कॉच ब्राइट से घिस घिस के साफ़ कर दी तो बिल्कुल चमक गई। और यहाँ ये जो दूध गर्म हो रहा है, तो रात का प्लानिंग था कि भाई ठंडाई बनाएंगे, बस मेरी और मम्मी की ठंडाई मैंने नहीं बनाई थी, बाकी सबके लिए चीनी डाल के अच्छे से बनाई थी, सबने बहुत मज़े से पी है। तो इसको आप नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा। और ये था हमारा शाम का डिनर, यानी कि रात का खाना, तो सोयाबीन का स्टू बनाया था और थोड़ी सी खिचड़ी बची हुई थी, सोयाबीन की सब्जी के साथ में रोटी बना ली थी और पुदीने की चटनी थी ही, तो इस तरीके से हमारा डिनर भी सॉर्टेड ही था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ दही की शक्ल, तो 4-4.5 घंटे के बाद मैंने फ्रिज में रख दी थी, बहुत बढ़िया जम गई है, देख लीजिए आप, बिल्कुल एकदम लाइव आपको दिखा रही हूँ।
जैसी दही डाली थी वैसी ही दही जमी है। और भी सुबह तक जैसे फ्रिज में रहेगी तो बिल्कुल जो दुकान में मिलती है ना गाढ़ी वाली, बस वो हो जानी है, और अभी भी कुछ कम गाढ़ी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है दही जमाने का। सो घर में जमाइए, फ्रेश एकदम जमाइए और फ्रेश खाइए, सबसे बढ़िया। और रायता वगैरह गर्मी में बना के खाया कीजिए, अच्छा होता है शरीर के लिए। सो बस सारा काम हो गया था, उसके बाद यहाँ बैठ के आराम थोड़ा किया है। संध्या मासी एकदम इंजॉय कर रही हैं, अपने फैमिली में बात कर रही हैं फ़ोन में, और बस यहाँ बैठ के हमने खूब देर तक IPL देखा है। सो चलिए, हम तो इंजॉय कर रहे थे। इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।